यहाँ पानी, यहाँ हम चल रहे हैं। और फाइनली भाई ये तो देखने में कॉकरोच लग रहे हैं, क्या है? तो ओ माय गॉड, हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस वर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी एडवेंचरस जगह पे जहाँ पे हर एक राइडर जाना चाहेगा, लद्दाख नहीं, साच पास। साच पास है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये पास पांगी और चंबा को कनेक्ट करता है। और ये रोड हार्डली 5 से 6 महीने खुला रहता है साल में, 5 से 6 महीने बंद रहता है बर्फ़ की वजह से। अभी भी यहाँ पे 15 से 20 फुट की दीवारें मिलेंगी बर्फ़ की, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एडवेंचरस रोड भी है ये, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के ट्रिप में। मेरे साथ मेरे दो और फ्रेंड जा रहे हैं, देवाशीष और दीपिका। देवाशीष को आपने चंबा वाले ब्लॉग में देखा होगा, वो चंबा से है मेरा फ्रेंड। और दीपिका स्पेशल इसके लिए सोलन से आई है ओवरनाइट ट्रैवल करके, अभी वो हमारे साथ जाएगी साच पास। बाकी मैं यहाँ अभी घर से निकलता हूँ, वो रास्ते में मुझे मिलेंगे कोटी, एक जगह आती है कोटी में मिलेंगे, उसके बाद हम आगे साथ में ड्राइव करेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना बाइक पे चलते हैं, बाइक पे मिलते हैं। अभी हम एंटर कर चुके हैं हिमाचल, जिला चंबा में आपका हार्दिक अभिनंदन। गर्मी की बात करें तो भाई साहब गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है आज का, और राइडिंग जैकेट में तो वो 50 के आसपास फील हो रहा है। अगर बाइक पे चलते जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा का फ्लो आ रहा है, आपको थोड़ा कूल रहा है फील होता है। अगर आप जैसे रुक रहे हैं तो उसी टाइम स्वेटिंग स्टार्ट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में ऐसे राइडिंग गियर पहनना भी बड़ा मुश्किल काम है। साच पास में 2 बार पहले भी जा चुका हूँ, पहली बार 2017 में गया था, उसके बाद 2021 में गया था लास्ट ईयर। और वो जो हमारा ट्रिप था वो तो बहुत ही मज़ेदार था। उसमें हमने फर्स्ट डे भैरागढ़ स्टे किया था, सेकंड डे हम भैरागढ़ से बाया साच पास होके किलार गए थे पांगी, और थर्ड डे हमने किया था सुराल भटूरी। वो पांगी की मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ से आने का तो मन ही नहीं करता है वापस। और उसके बाद सुराल भटूरी के पास थोड़ा सा ट्रैक करके एक वाटरफॉल आता है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है वो। आप कभी भी पांगी वाली साइड जाएंगे तो एक बार वहाँ पे उस वाटरफॉल पे ज़रूर जाना, सुराल भटूरी तो ज़रूर जाना। अगर पांगी गए हो, सुराल भटूरी नहीं गए, तो पांगी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि हम वहाँ से जाएंगे किश्तवाड़, जो क्लिफ हैंगर है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट डेडली रोड है, बहुत ही डेंजरस रोड है वो। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यू राइडर हैं तो अभी वहाँ पे ना जाएं, अगर आप थोड़ा सीरियस राइड करते हैं तब भी वहाँ पे जाएं। एक्चुअली उस टाइम मैं व्लॉग नहीं करता था, अगर मैं उस टाइम व्लॉग करता होता तो आपको दिखाता। वैसे आप मेरा इंस्टाग्राम पे पांगी की सारी वीडियोस, रील्स और फोटोज़ देख सकते हैं, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है पांगी। ये हिमाचल का टोल प्लाजा है, मात्र 40 रुपये का गाड़ियों के लिए। और ये अभी हम पहुँच गए हैं तुनुहट्टी, और यहाँ पे आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से घोड़े की भूख मिटाई जाए, क्योंकि आज इसने बहुत खतरनाक रोड पे जाना है। आगे मिल जाएगा थोड़ा आगे। ओके यार, जब भी आता हूँ साला यहाँ पेट्रोल ही नहीं होता है, लास्ट टाइम चंबा जा रहे थे तब भी यहाँ पेट्रोल नहीं था, मुझे तो नहीं मना करते ये लोग। तो ये पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ पता करते हैं पेट्रोल का, यहाँ तो लग रहा है फुल कर दो। अब इसको ले चलते हैं आसमानों की ऊंचाइयों पे, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, और ये बोलेगा भाई लैंड करा दो। यहाँ हम पहुँच गए हैं बनीखेत कैंट, और यहाँ पे जो फोर व्हीलर है उनका लगता है टैक्स। मौसम कुछ बादल बादल जैसे हो गए हैं, बारिश ना पड़ जाए। ये है बनीखेत की मार्केट, ये बनीखेत ढलौजी चौक, ये रास्ता जाता है ढलौजी को, और ये जाता है चंबा। हमने जाना है इस रास्ते पे। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच हिमाचल गवर्नमेंट, रोड आपके अच्छे हैं, मौसम तो माशाल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा है। अब यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, एक तो बादल हो गए हैं, ऊपर से ये बनीखेत जो है ये काफ़ी ठंडा इलाका है। यहाँ से रास्ता दो जगह पर डिवाइड होता है, ये जो हाईवे जा रहा है ये जा रहा है चंबा को, और ये जा रहा है साच पास को, तो हम इस साइड जाएंगे।
तो मैं जब भी इस रोड से आता हूँ तो यहाँ मैं पानी ज़रूर पीता हूँ, तो इस बार भी हम यहाँ से पानी पियेंगे और भर के ले जाएंगे। और पानी बहुत ठंडा है, एकदम फ्रिज जैसा। इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीने का तो मज़ा ही आ जाता है यार। ये डैम का बांध है, हम इसके ऊपर से जाएंगे। और पानी का कलर देखो यार, बहुत ही खूबसूरत। और ये पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इस बांध से हम जाएंगे आगे। और हमने बांध क्रॉस कर लिया है, कैमरा ऑफ करने पड़ा क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और यहाँ जो सीन है भाई, ये देखो रोड के किनारे डैम का पानी। यहाँ पानी, यहाँ हम चल रहे हैं। देबू और दीपिका मुझे मिलेंगे कोटी, और कोटी यहाँ से है 15 किलोमीटर। इस जगह पे ना एक टेंपल है, भलाई माता टेंपल, बहुत फेमस है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ये रास्ता जाता है भलाई माता के मंदिर को। ये जो ब्रिज दिख रहा है, हमने इस ब्रिज पे जाना है उस साइड को। और ये जो सीधा रोड गया, ये गया सलोनी, सुरगानी, पदरी जोत। हमने जाना है साच पास, तो हम इस रोड पे जाएंगे। तो मैं पहुंच गया हूं कोटी, और ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है चंबा को। हमने जाना है इस रोड पे। सो गाइस, मैं कोटी पहुंच चुका हूं, और वो दोनों हो गए हैं लेट, वो थोड़ा 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ये रही अपनी बाइक, और ये मैं। और गर्मी यहाँ थोड़ी कम है पठानकोट से, पठानकोट में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ तो मैं राइडिंग जैकेट पहन के थोड़ा सर्वाइव कर सकता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जा। और बाकी चलो वेट कर रहे हैं उनका, 10-15 मिनट में आते हैं। बहुत तगड़ी भूख लगी है, सबसे पहले लंच करेंगे। और लंच हम करने वाले हैं यहाँ की चंबा की धाम जो होती है, टिपिकल धाम। वो आगे कुछ ढाबे या खाने के आउटलेट होते हैं, वहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले हम धाम खाएंगे, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। पहले देखते हैं वो कब तक आते हैं। A few moments later. और फाइनली ये दोनों भी आ गए, साला कितनी स्पीड में चला है। सो देबू और दीपिका भी आ गए हैं, अभी हम रुके हैं रास्ते में लंच करने के लिए। ये दोनों आए हैं जिप्सी में, और ये है ढाबा जहाँ पे हम खाना खाएंगे। वाह, मेरे बिना स्टार्ट कर दिया है। आप भी व्लॉगिंग ही नहीं खत्म कर रही है। चंबियाली धाम, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ये राजमा का मदरा है भाई। ये तो देखने में कॉकरोच लग रहे हैं, क्या ये मिर्ची, मिर्ची फ्राइड मिर्ची। और ये कौन है? मत कर। ये है दीपिका। अरे देबू की शक्ल देखी आपने? ये देबू है। चंबा वाले ब्लॉग में शायद नहीं देखा हो इतना। कैसा लग रहा है चंबा आके? और खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चलो हम भी खाते हैं आप। बहुत टेस्टी फूड आता है, कभी साथ पास आओगे तो यहाँ जरूर खा के जाना। ये फ्राइड मिर्ची बहुत ही तेज जबरदस्त। तो गाइस लंच कर लिया है, लंच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। चंबियाली धाम, स्पेशली जो राजमा का मदरा होता है वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, और कड़ी बहुत ही टेस्टी लगी। इस जगह का नाम है बड़ो। आप कभी भी पांगी या सास पास जा रहे हो तो ये जो आप ढाबा देख रहे हैं यहाँ पे ये खाना मिलता है, बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, जब भी कभी आओगे हर बार यही खाओगे। सर अभी चलते हैं आगे, थोड़ा लेट हो गए है। मौसम ख़राब हो गया है, तूफान चल रहा है बहुत तेज, और बारिश आने वाली है। तो भीग ना जाएं इससे पहले पहले हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। बाकी मौसम की बात करूं तो एकदम ठंडा, मज़ेदार,
बारिश आज हो जाए तो ठीक है, कल नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर कल बारिश हुई तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रास्ता बंद कर देते हैं। बारिश वाला मौसम बन रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, बट ज़्यादा तेज बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारा ख़राब हो जाएगा काम। और रोड ये काफ़ी अच्छा हो गया है, लास्ट टाइम जब मैं आया था लास्ट ईयर तो ऐसा रोड नहीं था, रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी इन्होंने पक्का RCC कर दिया है। भाई डस्ट अपने को बिल्कुल भी नहीं पसंद, भाई साहब जाने दो जाने दो जाने दो। ये आ गया मक्खन। RCC में बाइक चलाने का ना मज़ा ही नहीं आता, ये जो तारकोल वाला रोड होता है ये होता है सबसे मस्त, एकदम मक्खन जैसे सॉफ्ट। और ये बारिश स्टार्ट हो गई है, बस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो सारा काम ख़राब हो जाएगा हमारा। बारिश और तेज़ हो गई है। जगह का नाम है चिल्ली, चिल्ली क्या, चिल्ली चिकन, चिल्ली पनीर। आगे तो ओ माय गॉड, यहाँ तो तेज़ है बारिश। अभी फोकस करते हैं वहाँ पहुँचने में क्योंकि यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश है। अभी मैं कैमरा ऑफ करने लगा हूँ और मैं कहीं साइड पे रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए। फाइनली गाइस हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, बारिश में थोड़ा भीगे थे, अभी बारिश रुक गई है, शाम के बज रहे हैं 7। यहाँ पे मौसम है बहुत ठंडा, एक्चुअली पठानकोट में टेम्परेचर था 38 डिग्री का, यहाँ मुझे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेट 15-14 के आसपास का होगा, बहुत ठंड है। हमने हीटर भी लगाया है कपड़े सुखाने के लिए। बाकी आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं बाहर, गेस्ट हाउस के बाहर बहुत अच्छा व्यू है। और कल सुबह हम निकलेंगे आस पास के लिए, अभी हम जा रहे हैं डिनर लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट जल्दी क्लोज़ हो जाती है, तो पहले बुक पैक करवा के ले आते हैं, फिर रूम पे जाकर आराम से बैठ के खाएंगे, मज़े करेंगे। बाकी कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। ये ना मोटी हो गई है पागल, और ये भाई साहब का पेट देखो जरा। ये पता हम जब लोग स्कूल टाइम पे होते थे तब ये गाने कितने फेमस थे। इसको आ रही है नींद।